जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का है मौका, तो ये मौका मत गवाइएगा। आपके लिए मैं चुन चुन के कोर्स लाया हूँ। हे दोस्तों, अगर आपने 12वीं की है, इंटरमीडिएट की है या 10+2 की है, तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। जामिया में कौन कौन से कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं 12वीं के बाद, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 12वीं के बाद कौन कौन से कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट करें। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपने 10+2 किया है यानी इंटर किया है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है जामिया में एडमिशन के लिए। ये वीडियो सीरीज है एक, जामिया आफ्टर 10+2 यानी इंटर के बाद आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कई वीडियोस बने हैं, तो आप सारे वीडियोस देखे आपको ज्ञान हो जाएगा कि अगर आपने इंटर किया है या अगर आपके फैमिली में भी कोई इंटरमीडिएट किया है तो कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जामिया में कैसे एंट्री हो सकती है। तो इस वीडियो का जो पहला कोर्स है उसका नाम है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। दूसरा कोर्स है इस वीडियो का, वो है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। इन दोनों कोर्सेज का जो टेस्ट होगा वो होगा 12 जून 2019 को सुबह 9 बजे से लेकर 10:45 तक यानी 10:45 बजे तक होगा, और इन दोनों कोर्सेज का जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो 30 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में होगा। इन दोनों कोर्सेज में BA में एडमिशन के लिए आपको कम से कम 12वीं में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने किया है IA यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स किया है या साइंस किया है विद बायो और मैथ, तो भी इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा जो कोर्स है इस वीडियो का वो है BSc। इसका टेस्ट होगा 14 जून 2019 को दोपहर 3 बजे से लेकर 4:45 तक, और BSc का रिजल्ट आएगा 30 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में। और BSc में एडमिशन के लिए आपको 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक बटन हिट करके मुझे मोटिवेट करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते।